आर्यन एजुकेशनल अकेडमी के कक्षा 12 का छात्र गोविंद यादव, मैं सर्वप्रथम इस सम्मानीय मंच को नमन करता हूं और इस 76वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर, इस जीसी इंटर कॉलेज के पावन धरा पर, स्वर्णिम शुभ अवसर पर पधारे हुए माननीय मुख्य अतिथि जी, प्रधानाचार्य जी और प्रबंधक महोदय जी एवं सम्मानीय शिक्षकगण और इस कार्यक्रम के मुख्य अंग हमारे विद्यालय के छात्र और छात्राओं को सभी को मैं इस 26 जनवरी के शुभ अवसर पर अभिनंदन वंदन करता हूं। हमारे बीच में हमारे छोटे भाई प्रिंस यादव, वो भी अरौला के एक होनहार विद्यालय के छात्र, और प्रिंस यादव लगातार हम लोगों से संपर्क में रहते हैं, विद्यालय परिवार के शुभचिंतक हैं। भाई प्रिंस यादव, आपका भी विद्यालय परिवार हार्दिक स्वागत एवं वंदन करता है। आज हम आप लोगों के सामने कुछ अपने भाषा के माध्यम से, मैं अपने बोलियों के माध्यम से कुछ प्रकट करना चाहता हूँ स्पीच के माध्यम से। ध्यान से जरा सुनिएगा आप लोग, आज हम लोग 76 साल हो गए आजाद हुए, 76 साल हो गए आजाद हुए, लेकिन क्या हम लोग अखंड पूर्ण रूप से बन पाया है? आज इस आजादी के 76 साल बाद हम लोगों को 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगना पड़ जा रहा है, और हम लोग आजादी के 76 साल बाद इतना नहीं कर पा रहे कि अपने खुद के पैसे का हम अपने घर में शौचालय बनवा ले या खुद के 5 किलो राशन खुद खरीद के खा ले। इसमें केवल सरकार की गलती नहीं होती है, इसमें मतलब जो जनता होती है उनकी भी गलती है, क्योंकि सरकार तो चाहती ही है कि हम लोग आपको फ्री का दें, और इसमें आप लोगों को फ्री का लेना नहीं चाहिए, उसको मतलब मांगना चाहिए सरकार को, और सरकार को आपसे शिक्षा मांगनी चाहिए। और अभी जैसे चल रहा है 2024 का इलेक्शन आने वाला है, लेकिन ये भारत की जनता इसमें बजट में ध्यान नहीं देगी, इसे में बजट को नहीं पड़ेगी, इसमें इलेक्शन जो होगा जात धर्म के नाम पर चल रहा है इलेक्शन। जब भारत की जनता इकोनॉमिक और बजट के बारे में पढ़ेगी नहीं, तो वोट वहां जात और धर्म के नाम पर